everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 EBS chapter 21 natural resources book work and question answers. Okay, बच्चों एक मेरे पास comment आया था कि आपने chapter 21 EBS का book work और question answers नहीं बनाया है. Okay, तो मैं उनको thank you बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने इसका video नहीं बनाया है. उन्होंने मुझे याद दिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच. और यदि कोई ऐसा और भी वीडियो है जो मैंने नहीं बनाया है, मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको तुरंत बना सकूँ, है ना. तो ये वीडियो तो खैर उन्हीं के लिए जा रहा है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक द करेक्ट आंसर. वन नंबर, रिसोर्सेज हैव टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन. देखो बहुत हजारों साल लगते हैं बनने में, तो वो कौन सी रिसोर्सेज होती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, टू नंबर, इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल बताना है, तो वो है कोल. थ्री नंबर, डैश इज अ रिसोर्स दैट कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज पेपर. इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और इसको हम दोबारा से रिसाइकल भी कर सकते हैं. फोर नंबर, डैश शुड बी टर्न ऑफ टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज. ये है टैप, मतलब नलों को हम बंद करके अच्छे से पानी का वेस्टेज रोक सकते हैं. ट्रू फॉल्स. वन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डन फॉर आर फ्यूचर जनरेशन. येस, ट्रू. टू नंबर, कुकिंग गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल. फॉल्स, कुकिंग गैस हमें कोल से नहीं मिलता है ना, वो किससे मिलता है अब आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने तो आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो में कर रखा है. तो चलिए मुझे बताइएगा कि कुकिंग गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल, मतलब कुकिंग गैस आपको कोल से मिलती है क्या? ठीक है. थ्री नंबर, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम इनटू फॉसिल फ्यूल्स. यस, ट्रू. मिनरल्स आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉल्स. ओके, फिर आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें वन नंबर पे है, डैश गिव अस मेटल. मेटल किससे मिलता है? मिनरल से. ओके, मिनरल देता है हमें मेटल. ओके सॉरी, ये गलत हो गया था. टू नंबर, डैश गिव अस पेपर एंड कूल शेड. किससे? कूल शेड की बात आती है तो आंख बंद करके आप पेड़ ही लिखोगे कि पेड़ की छाया ही तो सबको पसंद आती है गर्मी में. ट्रीज. सनलाइट गिव अस डैश इन डैश एनर्जी. सूरज की रोशनी हमें क्या देती है? गर्मी देती है. एनर्जी तो दे ही रही है, गर्मी देती है और हमें उजाला देती है, तो हीट एंड लाइट हो गया. फोर नंबर, डैश एंड डैश फ्रॉम डैश इज यूज फॉर रनिंग फ्लोर मिल्स. मतलब आटा चक्की वाली बात चल रही है तो वो पवन चक्की जो मैंने आपको गुजरात कच्छ एरिए की बात बताई थी वहाँ देखने को मिलती है, तो एनर्जी और विंड आएगा इसका आंसर. फिर आता है आपका मैचिंग. सनलाइट की मैचिंग हो रही है यूज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. क्रूड ऑयल की बात हो रही है तो फॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर. माइनिंग एंड ड्रिलिंग की बात हो रही है तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल. एंड डीप वेल्स की बात हो रही है तो मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. नेक्स्ट है वन वर्ड. वन वर्ड में ए वन नंबर है, अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है वाटर एयर सनलाइट. आपको जिसकी स्पेलिंग ईजी लग रही है वो याद करके आप लिख सकते हैं. टू, अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कोल और पेट्रोलियम. अ रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम कुकिंग गैस. यहाँ पर आ गया, देखो 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 कुकिंग गैस से क्या हो रहा है, मतलब वो जो गैस वाला मैं आपको बोली थी ना, गैस और आपका वो जो एग्जाम्पल था अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कोल वाला, उसी का आंसर आपको यहीं पे मिल गया है. यदि कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो इस लाइन को पढ़ के आसानी से समझ जाएगा. फोर नंबर, अ प्लेस वेयर देयर इज अ ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, कोची. ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे. क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है तो आपका क्वेश्चन नंबर वन आता है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर वाटर सनलाइट फ्रूट्स. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फिर क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो एक है रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल. थ्री, ए लिस्ट टू वेज फॉर मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ पेपर. तो दो है उसके, बाय रिसाइकल कार्डबोर्ड्स और ओल्ड न्यूज पेपर. टू, ए राइटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर. फोर नंबर, मैंशन वन वे ऑफ सेविंग वाटर. तो मैंने यहाँ पर एक लिखा है, एक आपकी बुक में है, बुक में ही है, मैं आपको बता देती हूँ. मैंने यहाँ पर लिखा है, फिक्सिंग लीकिंग टेप इज अ गुड वे टू सेव वाटर. ठीक है, वही टपकते नल को ठीक करना एक सबसे अच्छा तरीका है
वाटर को सेव करने का। और आपकी ही टिक द करेक्ट में 4 नंबर का दिया हुआ है, उसको ये अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, पूरा उसको बना लीजिए। टैप शुड बी टर्न ऑफ टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे, जिसमें फर्स्ट है आपका वाटर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट मींस मुझे यहाँ पर डीप डेफिनेशन देनी है। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पे रीड करके आपको बता दे रही हूँ। दोनों की सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शो करी है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। वंस दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिन्यूव्ड और रिफिल, दे आर लिमिटेड, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर दैम टू फॉल। क्या है देखो, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो रहती हैं वो एक बार यूज़ होके दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड रहती है, वो हजारों साल लगते हैं उसको बनने के लिए। और दूसरी चीज़ है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो ऐसी रहती है जिनको हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी रहती है जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी रहती है जिसे कम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जस्ट अपोजिट टाइप का है। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्स दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड और कैन बी रिक्रिएटेड इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, दीज कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज। सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वाटर, एयर, सनलाइट, रेन, सॉइल इटीसी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस, कई तरीके से जंगल हमारे लिए यूजफुल है, आप अपने तरीके से पॉइंट में भी लिख सकते हैं और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मेरा आंसर है, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, इट प्रोवाइड अस विद वेरियस आइटम लाइक मेडिसिन, वुड, फ्रूट एंड फायरवुड, इट प्रोवाइड अस क्लीन एयर एंड शेड, एंड इट इज ऑल्सो होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल। ठीक है, आप इसको पॉइंट करके भी, जहाँ जहाँ मैंने फुल स्टॉप लगा के न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया है, आप वहाँ से नया पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें क्यों ज़रूरत है भाई इसको कंजर्व करने की, ज़रूरत तो है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसे हमें ज़रूरत है तो उसको हम बिल्कुल खर्च ना करें, थोड़ा लिमिटेड उसका यूज़ करें। चलिए देखते हैं, वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आर लाइफ, यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में, दिस रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड वेरी रैपिडली, क्योंकि अभी ये जो रिसोर्सेज है बहुत ही स्पीडली ख़त्म होती जा रही है, और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, जब ये खत्म हो जाएगी तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा, विच इन टर्न हार्म ह्यूमन लाइफ, जिसकी वजह से हमारा जो मानव जीवन है वो भी खतरे में आ जाएगा, और मानव जीवन के साथ साथ पशु पक्षी भी खतरे में आ जाएंगे, है ना। मैंने दूसरा तरीका यहाँ पे लिख दिया है, यस ये लास्ट क्वेश्चन था मैं दूसरा, कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग फॉर दीज रिसोर्सेज सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दैम नाउ एंड इन द फ्यूचर। ऑल द थिंग्स वी नीड टू सर्वाइव सच एज फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको इन दोनों में से जिस आंसर को याद करने में आसानी रहेगी आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से उस बच्चे को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसने मुझे कमेंट करके याद दिलाया कि मैम आपने इसका वीडियो ही नहीं बनाया है, है ना। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गई कि भाई ये वीडियो तो सब कंप्लीट हो गया, क्लास 4 EVS, क्लास 5 EVS कंप्लीट हो चुका है, ये कैसे छूट गया है। पूरा चेक करने के बाद मुझे समझ में आया एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप कमेंट मुझे देते रहिए ताकि मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।